बच्चों आज हम सीखेंगे नेपियर स्केल बनाना और उसका यूज करना। सबसे पहले हम अपनी जो पुरानी कॉपी के हमारे कवर पेज होते हैं उसको लेंगे, वाइट होगा तो बहुत अच्छा, वाइट अगर नहीं भी है प्रिंटेड है तो उस पर हम सफ़ेद कागज़ लगा करके ऐसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बीच में दो दो सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब इस मार्किंग के सारे पे हम इसमें लाइनें खींचेंगे, ऐसे ऐसे, जो ऐसे तैयार हो जाएगा। फिर इसे ऐसे रखते हुए फिर से इसमें दो दो सेंटीमीटर के हम मार्किंग बनाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये दो दो सेंटीमीटर के अंतर में ये मार्किंग होगी और फिर इसी सहारे पे हम इसमें लाइनें खींच देंगे ऐसे। जो कि ऐसे तैयार हो जाएंगे। अब इसमें हमने एक स्ट्रिप काटनी है यहाँ से, केयरफुल होके बच्चे काटेंगे इसको क्योंकि हम कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से हम स्ट्रिप अलग रख देंगे और फिर इसे लेते हुए इस पर जितने भी ये वर्ग बने हुए हैं इन वर्गों पर हम ऐसी क्रॉस लाइनें खींचेंगे, जितने भी वर्ग बने हुए हैं सब पर क्रॉस लाइन ऐसे खींचेंगे जो कि ऐसे तैयार हो जाएगा। अब हमने ये जो बेस बनाया है इस बेस से सब स्ट्रिप्स अलग अलग काटनी है, केयरफुल होके कैंची का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से सब स्ट्रिप्स को हम अलग अलग कर देंगे। जो हमने पहले स्ट्रिप्स अलग ली थी उसे हम मास्टर स्केल कहते हैं और इसमें हम 1 से लेकर 10 तक गिनतियाँ लिख देंगे, वो रेड पेन से लिखेंगे, थोड़ा अलग कलर से लिखेंगे ऐसे, 1, 2 और 10। तो ये हमारी मास्टर स्केल तैयार हो गई। अब जो दूसरी स्टेप्स हैं इसमें हम 1 से लेकर 9 तक के पहाड़े अलग अलग स्ट्रिप में लिखेंगे। इसमें जैसे हम 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं, जो इसमें वर्ग बना हुआ है इसके हमने 2 भाग किए हैं, ऊपर वाला भाग इकाई है, नीचे वाला दहाई, तो 2 एकम 2 इकाई में 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 इकाई में लिखेंगे, 6 इकाई में लिखेंगे, 2 चौके 8 इकाई में लिखेंगे और 2 पंजे 10 को हम इकाई में लिखेंगे 0 और दहाई में लिखेंगे 1। ऐसे ही हम 12 लिखेंगे। इस तरह से 2 की स्ट्रिप तैयार हो गई, 2 के पहाड़े की, और हमने सब स्ट्रिप तैयार कर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्ट्रिप ऐसे तैयार करेंगे पहाड़ों की। इसके लिए शर्त ये है कि 1 से 9 तक के हमको पहाड़े आने चाहिए, इससे ऊपर कुछ भी पहाड़ा हम इसके द्वारा लिख सकते हैं। सपोज हमें 14 का पहाड़ा नहीं आता तो इसके लिए हम 1 की स्ट्रिप और 4 का पहाड़ा इसको ले लेंगे। इसे कैसे यूज करना है ये बताते हैं। ये हमारी मास्टर स्केल है और इसमें 1 और 4 के पहाड़े को ऐसे लगाएंगे। इसमें शर्त ये है कि ये जो बीच की लाइन है ये एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। अब हम
इसका पहाड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे 14, 14 एकम 14, 14 दूना 28, इसके लिए 8, ये इकाई में है, दहाई में है 2, इकाई में है 2, और दहाई में ये जो ब्लॉक बना हुआ है इस ब्लॉक में 3 और 1, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। ये इकाई में 6, दहाई में इस ब्लॉक में 4 और 1 है, इसको हम मिला देंगे, ये हो गया 5। ऐसे ही इकाई में 0 और इस ब्लॉक में 5 और 2 है, दहाई में इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। इस तरह से हमारा ये 14 का पहाड़ा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम और कोई दूसरा पहाड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे हम 24 का पहाड़ा लिख सकते हैं। पहले मास्टर स्कूल को इधर रखेंगे, फिर 2 की टेबल को, फिर 4 की टेबल को। अब 24 का पहाड़ा लिखते हैं, ये लाइनें बीच की सीधी होनी चाहिए। 24 एकम 24, इकाई में है 8, दहाई में है 4, इकाई में है 2 और दहाई में 6 और 1 7। ऐसे ही इकाई में 6 और दहाई में 8 और 1 9। इस तरह से हम पहाड़े को आगे बढ़ा सकते हैं और कोई भी पहाड़ा हम ले सकते हैं जो कि हमें गणित में बहुत मदद करेगा और आपको इस काम में बहुत मज़ा भी आएगा, तो इसलिए सब बच्चे इसे बनाएंगे।